स्टे सेफ हैप्पी लर्निंग से नो टू थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर द फर्स्ट टाइम एवरी टाइम। हम जानते हैं कि पावर एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों ही एसी मोड और डीसी मोड दोनों में पॉसिबल है। इस वीडियो में हम डिफरेंट मोड ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन की चर्चा करेंगे। पावर डिस्ट्रीब्यूशन एसी और डीसी दोनों मोड में हो सकता है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन का शुरुआती बिजनेस थॉमस एडिसन ने अमेरिका में शुरू किया था और डीसी का शुरू किया था। निकोला टेस्ला ने जब ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन को ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से इजी बताया, तब एसी का प्रचार होने लगा। लेकिन फिर भी कई शहरों में ट्राम सर्विस के लिए या और कई कारण से डीसी पावर सप्लाई है। तो हम इस वीडियो में कॉम्पिटिटिव टेबल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की चर्चा करेंगे। सबसे पहले है, हम देख पा रहे होंगे डीसी टू वायर। इसमें दो तार हैं, दोनों के थ्रू करंट आई फ्लो कर रहा है और ये देखिए आई और ये दोनों के बीच में वोल्टेज भी है। उसके बाद है डीसी थ्री वायर। इसमें ये बीच वाला तार जो न्यूट्रल है, बीच वाले तार और नीचे वाले तार और बीच वाले तार ऊपर वाले तार के बीच में वोल्टेज ये देखिए भी और ये इन दोनों ऊपर और नीचे वाले तार के बीच में वोल्टेज टू भी है। उसके बाद आता है एसी सिंगल फेज टू वायर सिस्टम, जिसमें दोनों के बीच में करंट आई है और ये सिनुसाइडल सिंगल फेज सिस्टम है, साइन वेव है। उसके बाद आता है एसी सिंगल फेज थ्री वायर, इसमें भी यही है, बीच वाले और ऊपर वाले के बीच में देखिए वोल्टेज भी है और बीच वाले और नीचे वाले तार के बीच में वोल्टेज भी है, टोटल वोल्टेज टू भी है। ये अमेरिका में सप्लाई का यही सिस्टम है, वहाँ पावर वोल्टेज 240 वोल्ट है। LTI लो टेंशन इंडस्ट्रीज के लिए 240 वोल्ट है। डोमेस्टिक सर्विस को इस सिस्टम से और इंडस्ट्रियल सर्विस को इस पूरे ये और ये ऊपर और नीचे के वायर के सिस्टम से पावर सप्लाई दी जाती है। उसके बाद आता है एसी टू फेज फोर वायर, इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों के बीच में वोल्टेज, इन दोनों तार के बीच में वोल्टेज भी है और करंट आई फ्लो कर रहा है इसमें। लेकिन टू फेज सिस्टम में दो फेज के बीच का फेज डिफरेंस 90 डिग्री है। ये देखिए यहाँ ये जीरो है, उस समय ये नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम है। जब ये फेज जब मैक्सिमम पर आया, ये 90 डिग्री पर मैक्सिमम पर आया, तो ये फेज उस समय जीरो पर है। तो इसका जीरो और इसके जीरो और इसके मैक्सिमम के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। उसके बाद आता है एसी टू फेज थ्री वायर सिस्टम, इसमें भी हम देख रहे हैं कि 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है दोनों फेज के बीच में। उसके बाद एसी थ्री फेज मेस कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन, इस कनेक्शन में तीनों फेज के बीच में जब थ्री फेज का सिस्टम होगा तो फिर फेज डिफरेंस 120 डिग्री का होगा। ये एक फेज, ये दूसरा फेज और ये तीसरा फेज, ये तीनों आपस में एक दूसरे से 120 डिग्री से डिस्प्लेस्ड हैं। इसमें डेल्टा सिस्टम में हम जानते हैं कि फेज वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज और फेज करंट इज रूट थ्री टाइम्स, लाइन करंट इज रूट थ्री टाइम्स फेज करंट। वही आई रूट थ्री दिखाया गया है इसमें फेज करंट के रूप में। उसके बाद आता है एसी थ्री फेज स्टार और वाई कनेक्शन, इसमें तीनों फेज का बैलेंस सिस्टम में तीनों में बराबर करंट आई रहेगा और टू फेज के बीच में जो वोल्टेज होगा
वो फेज वोल्टेज का √3 ज़्यादा होगा, यानी कि फेज वोल्टेज इज इक्वल लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 फेज वोल्टेज। इसमें भी हम देखते हैं कि 3 फेज का सिस्टम का सिनुसाइडली दिखाया गया है, तीनों फेज का ये आपस में 120 डिग्री से एक दूसरे से अलग है। उसके बाद है AC 3 फेज 4 वायर सिस्टम। इसमें न्यूट्रल के थ्रू टोटल करंट जो फ्लो होगा वो 0 होगा, और यहाँ भी हम देखते हैं फेज वोल्टेज या लाइन वोल्टेज जो है, दो फेज के बीच का वोल्टेज लाइन वोल्टेज कहलाता है, वह √3 फेज वोल्टेज है, और तीनों फेज का फेज डिफरेंस, ये एक फेज है, ये दूसरा फेज है, और ये तीसरा फेज है, तीनों फेज के बीच का फेज डिफरेंस 120 डिग्री है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। स्टे सेफ। प्लीज चेक योर सब्सक्रिप्शन सो दैट यू डोंट मिस नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम दिस चैनल। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टिल एंड।